तो 2 दिन में बैक टू बैक कितनी खुशी, पहले सेल्फिश ओएस एंड अब मल्टीबूट। तो देखो मैंने मल्टीबूट को 6-7 महीने पहले भी ट्राई करा था, और तब वो अनसक्सेसफुल ट्राई रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम पे बोला था कि मैं इसको दोबारा ट्राई करूंगा और भी ज्यादा एफर्ट्स के साथ। एंड जब रिसेंटली मैंने सेल्फिश ओएस को फ्लैश करा, इसे यूज करा, तो मेरे पास एकदम सही मौका था इसे दोबारा ट्राई करने का और भी ज्यादा एफर्ट्स के साथ। एंड फाइनली मैंने मल्टीबूट को अचीव कर लिया। तो आओ देखो मेरी पूरी जर्नी, मैंने इसको कैसे अचीव करा। तो सबसे पहले तो जिन्हें भी मल्टीबूट के बारे में नहीं पता था उनको मैं बता देता हूँ। तो मल्टीबूट में हम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल बूट्स करवा सकते हैं अपने एंड्रॉइड ओएस के अंदर। आप सेल्फिश ओएस यूज कर सकते हो, आप उबंटू टच यूज कर सकते हो, आप एंड्रॉइड का कोई लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हो, आप एंड्रॉइड कोई ओल्ड वर्जन यूज कर सकते हो एक ही फोन में। जब भी आपका फोन स्टार्ट होगा तो वहां पे एक मेन्यू आ जाएगा, उसमें जो सिलेक्ट करना चाहो, जो भी ओएस सिलेक्ट करना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। है ना बहुत अमेजिंग, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो कई सबसे पहले देखो यहाँ पे कंपेटेबल डिवाइस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास है नेक्सस 4, भले ये एंड्रॉइड फोन बहुत ज्यादा ओल्ड है लेकिन इसके लिए अभी भी काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, और जो चीजें अवेलेबल है उनके जरिए मैंने इसको मल्टीपल बूट में कन्वर्ट कर पाया। तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको करना होगा सेक्रीफाइस। अब मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन ये सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा वर्थ रहेगा आपके लिए। अब अपने डिवाइस के लिए आप एक्सचेंज पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके डिवाइस के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है, लेकिन जो मेथड बता रहा हूँ वो एक यूनिवर्सल मेथड होगा, लेकिन कुछ फाइल्स वगैरह हैं वो आपके डिवाइस के लिए अलग हो सकती हैं, जैसे कि रोम आपके डिवाइस के लिए अलग होगी, ऑब्वियसली कस्टम रोम आपके डिवाइस के लिए अलग ही होगी आपके केस में। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने साइनोजन मोड का 10.2 वर्जन उठाया जो कि है किटकैट, मैंने इसको फ्लैश करा। किटकैट के बाद आपको मल्टी रोम की एक जिप फ्लैश करनी होगी, और गाइज ये जो फाइल्स वगैरह है जिप या जो भी एप्लीकेशन में बताऊंगा, अगर ये एक्सजे पे जाके आप चेक करोगे ये सारी डेड हो चुकी है, मतलब लिंक्स इनकी सारी डेड है। तो मैंने इनको काफी ज्यादा डीप में जाके खोज के डाउनलोड करा, तो ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज्यादा इजीली मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको TWR में जाके इस जिप को फ्लैश करना होगा, मैं ऑलरेडी ये फ्लैश कर चुका हूँ। तो जो आप ये जिप फ्लैश कर लोगे तो आप फोन में जब अपने बूट करोगे तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन दिखेगी, मल्टी रूम या मल्टी मैनेजर की आपको एक एप्लीकेशन दिखेगी, आपको इसे ओपन करना है, और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सेट करने पड़ेंगे। वो डिपेंडेंसीज क्या होंगी, एक आपको कस्टम कर्नल चाहिए होगी जो कि ये पैच मांगता है, इस कस्टम कर्नल के बिना ये आप नहीं कर सकते, जो भी ये पैच चाहता है वो आपको इसे पैच देना ही पड़ेगा। ये कस्टम कर्नल आपको डाउनलोड करके फ्लैश करनी होगी। इसके बाद जो चाहिए आपको एक कस्टम रिकवरी चाहिए जो कि मल्टी रोम को यूज करने के लिए ही होगी। सबसे पहले क्या करना, मल्टी रोम की जो इमेज फाइल होगी आपको उसे फ्लैश करना होगा। आप TWRP में जाके इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना, वहां पे आपको सर्च करना जो भी मैं आपको फाइल दूंगा मल्टी रोम की, आप इसे जाके फ्लैश करना, और वहां पे जो ऑप्शन आएगा बूट रिकवरी आपको उसमें रिकवरी सिलेक्ट करके इसे फ्लैश कर देना होगा। मैं इसे भी फ्लैश कर चुका हूँ। जब ये सब चीजें कर लो तो अपने फोन में अगर बूट करो और एप्लीकेशन में जाके देखो, वहां पे सारी चीजें सही दिखनी चाहिए, मतलब वहां पे रेड मार्क कुछ नहीं शो होना चाहिए, एकदम सही चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा आधा काम खत्म हो चुका और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम खत्म हो चुका है, इसके बाद हमें बस रोम्स अपनी एड कर। तो देखो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, आपको मल्टी रोम का एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जिसके जरिए सब चीजें मैनेज होंगी, आपको मल्टी रोम की कस्टम TWRP इमेज चाहिए होगी, एंड आपको कस्टम कर्नल चाहिए होगा जो कि सपोर्ट करे मल्टी रोम्स। अब बहुत ज्यादा प्रोसेस सिंपल हो चुका है, आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं रह गई हैं। अब TWRP में जाके बूट हो सबसे पहले, तो वहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा रूम ऐड करनी है आप उस रूम को सिलेक्ट करो। एंड यहाँ पे मैं अगर सेल्फिश ओएस को ऐड करना चाहूँ तो सेल्फिश ओएस का जो प्रोसेस है ऐड करने का, पहले आपको एक बेस रूम चाहिए होता है, उसके बाद सेल्फिश ओएस की रूम चाहिए होती है। मैंने इसे सिलेक्ट करा मल्टी रूम में जाके, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप इसे फ्लैश कर दो, वो सारी अपनी वही प्रोसेस करेगा जो सब कुछ करता है। यहाँ पे आपको वाइपिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, अलग पार्टीशन क्रिएट कर देगा आपके फोन के अंदर। आपको यहाँ पे ध्यान के रखना कि स्टोरेज होनी चाहिए आपके फोन के अंदर, तभी वो ऐड कर पाएगा, ऑब्वियसली तभी वो ऐड कर पाएगा। अगर स्पेस नहीं होगी आपके फोन में तो ऐड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए। सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फोन को रिबूट करना है, एंड रिबूट के टाइम पे आपको एक बूट मैनेजर ओपन होगा, वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी फोन में रोम बूट करवानी है। वहां पे जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करी होंगे वो सारी लिस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे सेल्फिश ओएस को बूट करवाना चाहूँ, मैं सेल्फिश ओएस को बूट करवा सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई दूसरी रोम ऐड करना चाहो तो वही प्रोसेस है, अपनी रिकवरी में जाओ TWRP की, वहां पे मल्टी रोम में जाओ, वहां पे ऐड रोम करो, इस बार एंड्रॉइड में है तो एंड्रॉइड सेलेक्ट करके अपनी रोम जाके सर्च करो, जो भी रोम है उसे ऐड करो और उसे स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दो, वो सब कुछ वही करेगा, सारी प्रोसेस कंप्लीट करेगा। एंड जब आप फोन रिबूट करोगे आपको बूट मैनेजर में वो रोम शो हो जाएगा। यहाँ पे आप नाइट्रोजन ओएस ये देख रहे हो, ये एंड्रॉइड 8 वर्जन, अगर मैं इसे बूट कराऊं तो ये भी सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं अपनी जो डिफॉल्ट रोम है साइनोजन मोड की वो है, उसके बाद मेरे ओरियो की रोम है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्फिश ओएस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी नाइट्रोजन ओएस भी
बिल्कुल सही तरीके से बूट हो चुकी है और मैं इसे यूज कर चुका हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल टाइम्स यूज कर। देखो आप ऐसे मल्टी बूट को अचीव कर सकते हो, आप ऐसे मल्टीपल रोम्स यूज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं उबंटू टच भी यूज कर रहा हूँ, और उबंटू टच का मैंने रिव्यू बहुत टाइम पहले करा था, आप पी वाली वीडियो जाकर मेरी देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगी। मैंने उबंटू टच का भी पूरा एक रिव्यू करा था इसका, कि ये भी कितनी सही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे मैं तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ और दो एंड्रॉइड के वेरियंट यूज कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हो कितना ज्यादा अमेजिंग है, मतलब ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब आप कोई दो रोम यूज करना चाहते हो तो आप इजिली ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे बस मुझे एक ही दिक्कत आई, वो है सेल्फिश ओएस के साथ। मतलब सेल्फिश ओएस एक दो बार बूट नहीं हो रहा था, फर्स्ट टाइम इसे बूट करने के बाद ये सही चलता था, अगर मैं दोबारा बूट करूँ तो वो ओपन नहीं होता था। मतलब ऐसे दो तीन बार ट्राई करके करना पड़ता था तभी सेल्फिश ओएस रन होता था। सेल्फिश ओएस के संग मुझे थोड़ी दिक्कत दिखी, लेकिन उबंटू टच, साइनोजन मोड एंड नाइट्रोजन ओएस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं इजिली इन तीनों पर स्विच कर पा रहा था जब मैं चाहता, बस रीबूट करो, बूट मेन्यू में जाओ और जो भी रोम आपको सिलेक्ट करनी है उस पर डबल क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था और फाइनली इसको मैंने अचीव करा, और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की चीज है। इससे पहले जो मैंने अपने कंप्यूटर में ट्राई करी थी वो डुअल बूट ही करी थी, मैंने अभी तक ट्रिपल बूट या फिर मल्टी बूट तक अभी मैं गया ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टी बूट एंड्रॉयड में यूज कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। एंड आप सब भी कर सकते हैं, बस आपको कुछ चीजें ट्राई करने पड़ेंगी एंड यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम और दिमाग दोनों देना पड़ेगा। तो सारे चीजें आपको समझ में आगे, की पॉइंट ध्यान रखना क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट करना है, जिसके जरिए आपकी चीजें चलेंगी। दूसरे पार्ट तो ईजी है, आप बस आपको रूम्स एड करनी है। तो गाइज आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस, पूरी जर्नी और इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट पसंद आया हो। और अगर आप पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलूंगा मैं आपसे एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।